सुरभि जी, नीति और नियत की बात इसी से साफ होती है जो भाजपा के प्रवक्ता कह रही थी कि राजीव जी ने कोई बात कही थी तो राजीव जी ने उसका समाधान निकाला, उस कंप्यूटर की क्रांति को इस देश में लेकर आए जिसकी मदद से आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इनकी तरह नहीं कि हमने तो एक समस्या बताई, अब उस समस्या को हम 50 साल खींचेंगे ताकि उससे हमें राजनीतिक लाभ होगा। तो नीति और नियत में यही फर्क है। नहीं, और नहीं, सबसे नहीं, बड़ी बात, भाई बीच में टोक नहीं रहा था। देखिए, आपने कहा राजीव जी कंप्यूटर लेकर आए, उनकी नियत दिखती थी, और आपने फिर डीबीटी का जिक्र कर दिया, तो डीबीटी तो यही लेकर आए ना फिर, अगर उस कंप्यूटर के जरिए डीबीटी आप भी ले आते पहले, आप तो नहीं लेकर आए, तो फिर इनकी नियत में कैसे खोट हो गया और आपकी नियत में कैसे खोट नहीं। देखिए गौरव भाई, आज प्रधानमंत्री जी ने 5G और 6G की बात, आपको पता है 5G भारत में आने से पहले किन किन देशों में था? एक छोटे से सेशल्स में, एक छोटे से मालदीव्स में, जहां की जनसंख्या हो सकता है दिल्ली के कई मोहल्लों के बराबर हो, वहां 5G पहले पहुंच गया था और 6G की टेस्टिंग चल रही थी। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना टेक्नोलॉजी का, समझिए सुरभि जी, ये जो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क है ये समय के साथ इवॉल्व होता है, पर उसकी नींव रखी जाती है, उसकी नींव 1990 में रखी गई और उसी की वजह से आज आप और हम बात भी कर पा रहे हैं। अगर वो नींव तब ना रखी जाती तो आज ये कम्युनिकेशन भी इस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसलिए नींव रखने वालों को, अपने पूर्वजों को उसी तरीके से सम्मान देना चाहिए जैसे आज हम लोग देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट में इनको बोल दूं सुरभि, नीरज जी बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जिस समय जिसकी सरकार होगी उसको क्रेडिट दिया जाएगा। आपकी सरकार है, उस समय थी, आपको क्रेडिट बिल्कुल दिया जाएगा और आप क्रेडिट ले रहे हैं, आप इसके सुपात्र हैं, लेकिन फिर आज की सरकार जो काम कर रही है उसको उसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। गौरव जी, हम देते हैं ना, गलत नोटबंदी का क्रेडिट दे देते हैं, गलत इंप्लीमेंटेड GST का भी क्रेडिट दे देते हैं, और साथ साथ जो महाघोटाला चंदा लो और धंधा लो चलता है हम उसका भी क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूंगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर हमें राजनीतिक बहस से बचना चाहिए। आप सब कुछ बोल के बोल देते हैं, हमें बचना चाहिए, बचना चाहिए। गौरव जी, आज वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, नहीं तो हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि जब लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री बोले वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को एक अच्छा विजन दे, और राजनीतिक मुद्दों पर टीका टिप्पणी हमेशा उसी मंच पर रहना चाहिए। रूल आउट कर रहे हैं, जबकि पीएम ने खुद का नएपन की बात करी, उन्होंने टेक्नोलॉजी तक को जोड़ने की बात करी, भले ही अभी भी ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं लेकिन फिर भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है कि आज के लिहाज से, आज के विकसित भारत में इस योगदान की सराहना तो हो रही है। देखिए, यहाँ पे 2G 5G की बात हो रही थी कि पहले देशों में 5G आया था। हाँ, 2G आया था ना इनके समय में। 2G में क्या हुआ था? 2G का यूपीए का घोटाला विश्व प्रसिद्ध है। 2G के घोटालों के पास जीजा जी के घोटाले, भैया जी के घोटाले, दीदी जी के घोटाले, पूरे परिवार जी के, गांधी जी के घोटाले सबको मालूम है। तो अच्छा हुआ इन्होंने 2G का जिक्र किया। अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्या देश को नहीं पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में बतौर हमारी सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हम किन चीजों से आज देश जूझ रहा है? क्या देशवासियों को सिर्फ एक लीपा पोती का एक भाषण मिलना चाहिए, सिर्फ अपना मैं ये सब अच्छा हो रहा है? जो देश की समस्या है उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो देश को अंदर से दीमक से खा रहे हैं क्या पता नहीं होना चाहिए? और यहाँ पे बात हो रही है कि हमें क्रेडिट देते हैं कि हम एक अनप्लान GST लेकर आए, हम डिमोनेटाइजेशन लाए। भाई साहब, उसके बाद हम फिर चुनाव जीत के आए, 10 साल हम लगातार चुनाव जीत के आए, तीसरी बार हमारी रिकॉर्ड सरकार बनी है, आप लोग 99 भी पार नहीं कर पाए। तो राधिका जी, अगर चुनाव जीतना पैमाना है तो फिर ये भी तो तथ्य है कि इस बार पिछली बार से आपकी सीटें काफी कम हो गई, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसको जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर तीसरी चुनाव है हमारा और एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, अब आप तय करिए ना, जब यूपीए का तीसरा चुनाव हुआ था तो कितनी सीटें थी यूपीए के पास? महज 40 कुछ पे आ गए थे, और वही कांग्रेस पार्टी आज 100 तक पे नहीं पहुंच पा रही और कह रही हमारी सीटें, जाहिर सी बात है 10 साल सत्ता में रहने के बाद कुछ सीटें तो कम होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरा एनडीए गठबंधन इकट्ठा हो गया फिर भी मात्र अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले नहीं पहुंच पाया। और ये मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से सारी बातें रखी। जो उनका वो आह्वान था कि सारे युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, ये बात आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपकी बातें सुन के नीरज को हंसी किस बात की आ रही है। नीरज, मैं आपके पास आती हूँ, ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इसमें, इस व्यू पॉइंट में ऐसा हास्यास्पद क्या है।